ओके जावा के कुछ एडवांस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का सेशन जो है वो कुछ इनर क्लासेस और उसके टाइप्स पर बेस करेगा कि इनर क्लासेस क्या हैं और किस तरह के पांच हमारे पास इनर क्लासेस टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जावा के अंदर इनर क्लास की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ द थ्योरी और इन टर्म ऑफ दी कोडिंग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली इनर क्लास है क्या और किस तरह से ये क्रिएट की जाती है जावा में सो द जावा इनर क्लास और नेस्टेड क्लास इज़ अ क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड इन साइड द क्लास और इंटरफेस वी यूज़ इनर क्लास टू लॉजिकली ग्रुप क्लासेज एंड इंटरफेस इन वन प्लेस सो दैट इट कैन बी मोर रीडेबल एंड मैंटेनेबल यानी जावा क्लास के अंदर जब आप एक क्लास बनाओगे तो उसको आप इनर क्लास कह रहे होते हो या फिर इंटरफेस के अंदर क्लास वी यूज़ जावा क्लास के आगे फर्दर बताया जा रहा है कि इसको यूज़ करने की वजह यह है न एसड क्लास को कि हम अपने कोड को लॉजिकली मैंटेन कर सकें और मोर रीडेबल बना सकें एडिशनली इट कैन एक्सेस ऑल द members ऑफ आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट डेटा members एंड methods. यानी अगर आपके एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास के ऊपर कोई प्राइवेट मेंबर है तो आप इनर क्लास में उसे भी एक्सेस कर सकते हो और उसके method को भी कर सकते हो तो syntax में आप देख रहे हो कि लिखा है एक क्लास बनी हुई है आउटर और उसके अंदर एक और क्लास बनी हुई है जिसको इंटरनल कहा जा रहा है अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो थ्री बेसिक एडवांटेजेस यहां पर मौजूद हैं जो इनर क्लास में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जब आप इनर क्लास के जरिए से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो तो फर्स्ट लिखा हुआ है नेस्टेड क्लासेज रिप्रेजेंट द स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशनशिप that it can access all the members data members and method of outer class including private yani ek relationship bana raha hai class ke andar class banate hue ki aap apne private member ko bhi internally access kar sakte ho jabki second pe likha hua hai ki more readable and maintainable because logically aap apne classes ko groups kar kar ek hi jagah place kar rahe hote ho जबकि third जो है वो code optimization है यानी optimality यहां पर मौजूद है कि आप अपने code को maintain करके मजीद optimal solution की तरफ जा रहे हो तो डिफरेंसेस देखें तो इनर क्लास इज अ पार्ट ऑफ द नेस्टेड क्लास यानी इनर जो क्लास होती है वो नेस्टेड क्लास का ही पार्ट है और जब आप नॉन स्टैटिक नेस क्लास बनाते हैं तो उसको इनर क्लास कहा जाता है आ वो स्टैटिक भी हो सकती है जब हम आगे जाके देखेंगे तो तो अब कुछ इसके टाइप्स हैं तो देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ क्लासेस नेस्टेड इनर क्लासेस वन इज नॉन स्टैटिक एंड वन इज स्टैटिक तो स्टैटिक इनर क्लास के अंदर तीन टाइप्स हैं मेंबर इनर क्लासेस अनोनोमस इनर क्लासेस और लोकर इनर क्लास ये नॉन स्टैटिक है जबकि स्टैटिक में हमारे पास एक है स्टैटिक नेस्टेड क्लास और उसके बाद लास्ट में आता है नेस्टेड इंटरफेस यानी जिस तरह से आप क्लास को नेस्टेड कर रहे हो इसी तरह से आप इंटरफेस को भी नेस्टेड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मैंबर इनर क्लास जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंबर इनर क्लास मौजूद है ये फर्स्ट ठीक है तो वो यहाँ पर मौजूद है और लिखा आ रहा है ए क्लास क्रिएटेड विद इन क्लास एंड आउटसाइड ऑफ दी मैथड यानी मेथड के बाहर होगा लेकिन क्लास के अंदर क्लास होगी यानी कुछ इस तरह से होगी कि ए नॉन स्टैटिक क्लास दैट इज क्रिएटेड इन अ क्लास बट नॉट आउट अ मैथड इट्स कॉल्ड अ मेंबर इनर क्लास ठीक है जैसे आप देख रहे हो ये रही एक क्लास उसके बाद दूसरी क्लास आ रही और ये रहा उसका एरिया ठीक है थीके? तो अब हम इसे कोड करके देखेंगे तो और बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी कि जो एडवांटेजेस हैं वो किस तरह से यहां पर एक्सेसिबल हैं तो मैं यहां से आउट होता हूं और उसके बाद <coughs> अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं तो ये डिफॉल्ट क्लासेस बनकर आती है तो हम बाहर आते हैं बाहर आने के बाद मैंने एक क्लास बनाई आउटर के नाम से और इस आउटर क्लास के अंदर मैंने एक और क्लास बनाई इनर तो ये बेसिक सेंटेक्स हो गया हमारे इनर क्लास का जो नेस्टेड इनर क्लास कल आ रही थी उसका अब प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैं ऊपर आता हूं और यहां लिखता हूं प्राइवेट इंटीजर वैल्यू इक्वल टू समथिंग ठीक है अब मैं इनर क्लास में आता हूं और एक मैथड बनाता हूं मैंने लिखा पब्लिक void कॉल के नाम से एक मैथड बनाया और इस मैथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने लिख दिया द वैल्यू इज और कॉन्कैटिनेट करके हमने अपने वेरिएबल वैल्यू को यहां पर प्लेस कर दिया दैट्स इट तो ये डेफिनेशन को यहाँ पर कॉल करती है कि आप क्लास के अंदर क्लास भी बना सकते हो और इससे फायदा ये होगा कि आप अपने प्राइवेट मेंबर को इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो जो एक यूनिक रिलेशनशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि एक रिलेशनशिप है ऊपर वाली क्लास का नीचे वाली क्लास के साथ अब इसे कॉल करने के लिए मैं मेन मैथड पर आता हूँ ठीक है मेन मैथड में आने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले आउटर का ठीक है और उसके बाद अब मैं ओ बी जे डॉट प्रास कर रहा हूं ठीक है एक तरीका तो ये है कि आप पहले वाले ऑब्जेक्ट के जरिए से दूसरा बना लो और दूसरा तरीका ये है कि मैं अब लिखू यहां पर आउटर डॉट देखो जब मैंने आउटर डॉट लिखा तो यहां पर इनर क्लास भी आ रही है मैंने इनर क्लास को कॉल किया और इसका नाम रखा ओ बी जे वन अब मैं क्या करूंगा पहले वाले इंस्टेंस के जरिए से कॉल करूंगा न्यू कीवर्ड को और अब मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा सेकंड क्लास का यानी इनर का दैट्स इट तो अब आप यहां पर अगर आपने पॉलिमोफिज का सेशन याद हो कि हम अपने पेरेंट क्लास का क्या करते थे रेफरेंस देते थे और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो आप देख रहे हैं चाइल्ड क्लास इनर का ऑब्जेक्ट बना बाय यूजिंग पेरेंट्स अब मैं ओ बीजे वन डॉट के जरिए से कॉल मैथड को कॉल कर सकता हूं और उसकी जो भी वैल्यू यहां पर मौजूद है द वैल्यू इज वट वो डिस्प्ले करवा सकता हूं आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोट जरिए क्लास के अंदर क्लास कैसे बनेगी और उसके प्राइवेट में एक्सेस करके बाय यूजिंग पेरेंट रेफरेंस एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसे कॉल कैसे कर सकते उसके बाद जो दूसरा रिलेशनशिप यहां पर टाइप मौजूद है वो हमारे पास जावा सॉरी एनोनिस इनर क्लास बेनाम क्लास जिसके क्लास दैट है नो नेम इज़ नोन एज अनमस इनर क्लास इन जावा इट शुड बी यूज इफ़ यू हैव टू ओवर राइड मैथड ऑफ क्लास और इंटरफेस यानी ये आप उस वक्त यूज़ करना चाहिए आपको जब आप अपने मैथड को या क्लास को क्या कर रहे हो ओवर राइड कर रहे हो जावा अनोमस इनर क्लास कैन भी क्रिएटेड बाई टू वे यानी आप इसको बनाने के लिए क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरफेस को भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो अब हम इसे क्रिएट करके देखते हैं तो सेम टेक्निक यहाँ पर हमारे पास क्लास मौजूद है मैं इसको इग्नोर करके नीचे ले आता हूँ और अब हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्लास बनाने के लिए हमें किसी नाम से भी मैं क्लास बना सकता हूँ ठीक है तो मैंने क्लास का नाम रख दिया इस वक्त सैम्पल और इस सैम्पल क्लास को मुझे एबस्ट्रैक्ट क्लास बनाना है ठीक है जो जो कि अभी हमने पीपीटी में देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी या इंटरफेस होगी और हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम मैथड विद बॉडी और विदाउट बॉडी दोनों बना सकते हैं तो मैंने यहां पर एक मैथड क्रिएट करना है तो मैंने इसको किया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सैंपल मेथड एंड देन टर्मिनेट एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द एबस्ट्रैक्शन टॉपिक कि जब एब्सट्रैक्ट के अंदर आप किसी मैथड uh, को एब्सट्रैक्शन के फॉर्म पर विजुलाइज़ करवाते हो यानी उसकी बॉडी नहीं बनाते तो उसके लिए आप एक नॉन एब्सट्रैक्ट से उसको जाके इनहेरिट करते हो और वहाँ उसकी बॉडी बनाते हो लेकिन इस वक्त हम एनॉनमस इनर क्लास को देख रहे हैं तो लिहाजा इसको हैंडल करने के लिए अब मैं मेन मेथड में आऊँगा और यहाँ पर ज़रा आप बौौर कीजिएगा कि मैं सैम्पल को किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने सैम्पल का इंस्टेंस बनाता हूँ तो मैंने सैम्पल के नाम को यहाँ से कॉपी किया ओ बी जे टू अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा क्योंकि वन और ओ बी जे ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है ठीक है और इसे क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ बल्कि साथ ही साथ इसकी बॉडी बना के यहाँ टर्मिनेट कर रहा हूँ एक्चुअली ये इंस्टेंस बनाने की जरूरत और उसकी बॉडी बनाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि मैं मेन मैथड में रहते हुए अपने सैम्पल क्लास के अंदर जो सैम्पल मैथड मौजूद है उसकी बॉडी क्रिएट कर सकूँ लिहाजा मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया ठीक है और उसके बाद इसकी बॉडी इसके अंदर बनाई अब बॉडी के अंदर जो चीज भी तुम डिस्प्ले करवाना चाहते हो कॉल करवाना चाहते हो वही लिख दो यहां पर तो मैंने यहां पर जस्ट लिख दिया सैंपल मैथड ठीक है राइट एंड साइन ऑफ अब जब मैं इस सैंपल वाले एरिया से यानी इंस्टेंस से बाहर आऊंगा अब मैं अपने ओ बी जे टू को एक्सेस करूंगा तो यहां पर आप देख रहे हो कि सैंपल मैथड एक्सेसिबल है मैंने इसे कॉल किया कॉल करने के बाद अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि सेकेंड वाली चीज हमें राइट वे पे दिख रही है अब यहां पे एनोनमस से मुराद ये है कि आपको याद होगा कि जब तक आप इस क्लास के नाम को किसी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट नहीं करते उस वक्त तक आप इसकी बॉडी नहीं बनाते लेकिन अभी मैंने मेन मेथड में कहीं पर भी इनहेरिट नहीं किया बल्कि डायरेक्टली उसके इंस्टेंस बनाने के साथ ही साथ उसके ब्लॉक के अंदर मैंने उस मेथड की बॉडी बनाकर डायरेक्टली उस मेथड के बाहर उसे कॉल कर लिया तो यहां जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो अनॉनमस है कोई कौन सी क्लास है जहां पर उसकी बॉडी बनाई गई वो अन है इसी चीज को यहाँ पर अनोनमस कहा जा रहा है तीसरी चीज हमारे पास जावा लोकल इनर क्लास है जावा लोकल इनर क्लास कहती है कि एक क्लास क्रिएटेड इन साइड अ मैथड इज कॉल्ड अ लोकल इनर क्लास विच मीन अब हमें जो मैथड क्रिएट करना है क्लास क्रिएट करना है वो इन साइड अ किस में करना है मैथड में अभी तक हमने क्लास के अंदर मैथड क्रिएट किया है अब हम मैथड के अंदर क्लास क्रिएट करना जा रहे हैं जिसको कहा जा रहा है जावा लोकर इनर क्लास इफ यू वॉन्ट टू इन्वोक द मैथड ऑफ द लोकर इनर क्लास यू मस्ट इनिशिएट दिस क्लास इन साइड द मैथड यानी अगर मैं उसे कॉल करना चाह रहा तो मुझे वहीं पर उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होगा कैसे कोर्ट पे चलेंगे मजीद आसान तरीके से ये बात हमें समझ में आएगी जिस तरह से हमने दोनों चीजों को किया है तो ये दो क्लास हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी जिसको अभी हमने कॉल करके यूज किया है अब मैं इसे नीचे करता हूं और अब हम यहां पर समझते हैं देखिये सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम ए रखता हूं ठीक है इस ए क्लास के अंदर हम एक प्राइवेट मेंबर बनाते हैं तो मैंने लिखा प्राइवेट इंटीजर वैल्यू इक्वल टू 44 ठीक है अब मैं एक मेथड बना रहा हूं मैंने कहा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और ये मेथड की बॉडी इस मेथड के अंदर अब मैं क्लास बना रहा हूं बी और ये री, बी की बॉडी हो गया भाई लोकल इनर क्लास क्लास के अंदर लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल के अंदर मैथड मैथड के अंदर क्लास मौजूद है अब इस क्लास के अंदर रहते हुए मुझे एक मैथड बनाना है क्योंकि जब तक मैं मैथड नहीं बनाऊंगा मैं इंस्टेंस पास नहीं कर सकता यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता अब मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं ठीक है और इस बी के बिहाफ पर ओबीजे के बिहाफ पर आप देखेंगे कि मैं कॉल को यहां पर एक्सेस कर पा रहा ठीक है तो मैंने कॉल को एक्सेस कर लिया अब जब मैं यहां पर कॉल को एक्सेस कर रहा हूं तो अब इन फ्यूचर मेन में ए का इंस्टेंस बनाकर मैं इसे कॉल कर सकूंगा ठीक है अच्छा अब इस मेथड के जरिए से अगर मैं किसी चीज को एक्सेस करूंगा तो मैं कोई चीज डिस्प्ले नहीं करवा सकूंगा तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे कंट्रोल एक्स करता हूं और उसके बाद मैं इस क्लास के बाहर आ सकता हूँ या फिर इस मैथड के सॉरी इस क्लास के बाहर आके यहाँ पर भी उसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ तो मैंने इंस्टेंस यहाँ क्रिएट कर दिया ठीक है और इस कॉल मैथड के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ओनली वेलकम टू कॉल मैथड इट अब ये जो इंस्टेंस यहाँ पर बनाया गया है इस क्लास का वो डिस्प्ले ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया गया है अगर आप बगौर देखो ये डिस्प्ले के अंदर है जो लाइन प्रिंट हुई हुई है वो कॉल मैथड में हुई हुई है ठीक है अब मैं यहाँ पर कॉन करके प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर लेता हूँ यानी वैल्यू एज लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई जावा इनर क्लास की लोकल इनर क्लास की अब मैं ए का इंस्टेंस बनाता हूँ तो मेन मैथड पर आते हैं बाकी इन तमाम चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ मेन मैथड के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी और अब मैं ए का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ है? और ओ बी फोर डॉट अब देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले मैथड कॉल हो रहा है ना भैया हमारा डिस्प्ले डिस्प्ले तो मैंने को कॉल किया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता लेट सी एंड इट इज सेम लाइन कौन सी लाइन यहाँ पर कॉल हो रही है कॉल वाली मैंने कॉल किसे किया है डिस्प्ले को डिस्प्ले के अंदर क्लास मौजूद है क्लास के अंदर मैथड मौजूद है लेकिन डिस्प्ले के अंदर ही मैंने उस क्लास का इंस्टेंस बनाया हुआ यहां पर जिसके जरिए से जावा इनर क्लास जो लोकल इनर क्लास है वो एक्सेसिबल हुआ और प्रैक्टिकली यहां पर वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया ओके okay, फर्दर हमारे पास फोर्थ जो मैथड है Uh, वो है जावा नेस्टेड क्लास ठीक है तो जावा नेस्टेड क्लास क्या है जिस तरह से हमने नॉर्मल स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्लास को नेस्टेड करके देखा बिल्कुल इसी तरह से अब हमारे पास जो चाइल्ड क्लास होगी वो स्टैटिक होगी सो ए स्टैटिक क्लास दैट इज़ क्रिएटेड इन अ क्लास इज कॉल्ड स्टैटिक नेस्टेड क्लास इन जावा इन कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा मेम्बर एंड मैथड अगर पेरेंट के अंदर जो मेम्बर्स हैं वो नॉन स्टैटिक हैं तो स्टैटिक क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल नहीं होंगे एक्सेसबल स्टैटिक ही मैथड और वेरिएबल्स होंगे इट कैन बी एक्सीड आउटर क्लास नेम इट कैन एक्सेस स्टेट स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट इधर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो दोनों ही स्टैटिक फॉर्म पर इनर क्लास में एक्सेसिबल होंगे स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक इंस्टेंस डेटा मेंबर्स और method. तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए अब हम नेटबीन पे चलते हैं एज यूजल जितनी चीजें हम करते हुए आ रहे हैं मल्टीलाइन uh, कमेंट के जरिए से हम हाँ उसे बढ़ाते हैं और अब इस जगह पर आकर हमें स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक क्लास की वर्किंग देखते हैं तो मेन मैथड से बाहर हूं क्लास से भी बाहर हूं, हूं, हूं इस्ट्रा... ठीक है मैंने उसकी बॉडी बनाई और उसके बाद यहां पर लिखा मैंने स्टैटिक क्लास और अब मैं लिख रहा हूं स्टैटिक क्लास ठीक है और ये है उसकी बॉडी तो ये हो गया हमारा स्टैटिक इंटरनल uh, या फिर नेस्सेड क्लासेस का जो फार्मूला था वो अब हम ग्लोबल uh, वेरिएबल्स या इंस्टेंस बनाते हैं ऊपर जिसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ लिखा स्टैटिक इंटीजर वैल्यू इक्वल टू समथिंग उसके बाद मैंने लिखा इंटीजर डेटा इक्वल टू समथिंग तो मैंने नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों ही वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं अब मैं स्टैटिक क्लास के अंदर आकर एक मैथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड कॉल के नाम से और इसके अंदर दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मैंने एस आउट लिखा और उसके बेस पर मैंने यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस किया इट्स नाउ एक्सेसिबल और इसी तरह से जैसे ही मैंने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरर आ गया और डेफिनेशन पे भी हमें यही बताया जा रहा था कि आप यहाँ पर नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते और वही चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है तो इस तरह से मैं किसी स्टैटिक मैथड को भी इंटरनली एक्सेस कर सकता हूँ और सिंपल uh, वेरिएबल को भी जो हमने यहाँ पर किया तो अब मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कमेंट करने के बाद अब मुझे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है ठीक है तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आ, मैं मेन मेथड पर आता हूँ और मेन मेथड पर आने के बाद हमने पेरेंट के जरिए से चाइल्ड को कॉल करना है क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड के अंदर ये बात पढ़ रखी है कि जब आप स्टैटिक क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हो तो क्लास का नाम लिखकर डॉट प्रेस करके मेथड को एक्सेस कर लेते हो तो अब मैं इंस्टेंस बनाने के लिए पेरेंट का नाम मैंने लिखा डॉट प्रेस किया और उसके बाद आप देख रहे हो कि स्टैटिक क्लास भी यहाँ पर कॉल हो रही है अब मैं इसका इंस्टेंस बना रहा हूं और उसके बाद दोबारा इंस्टेंस बनाने के लिए मैंने इसी नाम को यहां पर पेस्ट किया और ऑब्जेक्ट इस वक्त रेडी हो चुका है ओबीजे ओबीजे लिखा कॉल मैथड कॉल हो गया यहां पर और उसके बाद मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं एंड जो वैल्यू है यहां पर ट्वेल्थ वो डिस्प्ले हो गई है इधर आप कोई स्ट्रिंग लिखना चाहे तो वो भी यहां पर लिख सकते हैं तो ये स्टैटिक का कांसेप्ट था जो मेंबर को भी एक्सेस करेगा अपनी क्लास के अंदर और साथ ही साथ आप किसी मैथड को भी बनाकर इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्लास है उसको जावा नेस्टेड इंटरफेस कहा जाता है जिस तरह से अभी तक हमने एबस्ट्रैक्ट क्लास को नॉन एबस्ट्रैक्ट क्लास को या स्टैटिक क्लास को नेस्टेड करके देखा बिल्कुल इसी तरह से इंटरफेस का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट मौजूद है

इसको एक दूसरे के इंटरनली सेव करोगे तो उसका साइंटेक्स कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास पहला हमारे पास जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा जो भी आप मीनिंगफुल नाम रख रहे हो जैसे यहाँ पर रखा गया है और उसके अंदर एक और इंटरफेस बनाया गया है जो यहाँ पर रखा गया है तो मैं इस इंटरफेस पर एक मैथड क्रिएट कर सकता हूँ जिसकी बॉडी नहीं होगी विच मीन इस तरह से वो टर्मिनेट होगा और इसी तरह यहाँ पर भी मैं एक मैथड क्रिएट कर सकता हूँ जिसकी कोई भी बॉडी नहीं होगी और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट से जाकर इनहेरिट होकर वहाँ पर उसकी बॉडी बनेगी एंड देन वो फर्दर इनिशिएट करके कॉल किया जा सकेगा लिहाजा ये लास्ट जावा नेस्टेड इंटरफेस को अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं प्रोजेक्ट पे वापस आता हूँ और मल्टी लाइन कमेंट को हम यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं और अब हम यहाँ पर आकर इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस बनाया ए के नाम से फिर इसके अंदर एक और इंटरफेस क्रिएट किया बी के नाम से तो ये तो नेस्टेड हमारा इंटरफेस हो गया पहले वाले इंटरफेस पर आके एक मैथड क्रिएट करते हैं तो मैंने लिखा वाइट ए मैथड और उसके बाद सेकेंड पर आके लिखा मैंने व्हाइट बी मैथड एंड दैट शोज द एक्चुअल डेफिनेशन जो डेफिनेशन पर बताई जा रही थी वो चीज हमने यहां पे कर दी अब मुझे इसकी बॉडी क्रिएट करनी है क्योंकि सॉरी बॉडी बनाने के लिए एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट से इसको इनहेरिट करना है क्योंकि जब तक मैं नहीं करूँगा उसका फर्दर काम नहीं कर सकूंगा इसके लिए हम एक और क्लास बनाते हैं यहां पर और मैंने इसका नाम रखा कॉल क्लास और अब मैं यहां पर लिखूंगा इंप्लीमेंट्स क्योंकि जिस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो क्या है इंटरफेस है और जिसके साथ अटैच कर रहा हूँ वो क्लास है जब दोनों चीज़ें रिवर्स होती हैं एक दूसरे के तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट्स और दोनों जब सेम होते हैं तो एक्सटेंड लिखा जाता है अब यहाँ पर जब मैं ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पेरेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ लेकिन अगर मैंने ए के साथ डॉट भी प्रेस किया तो यहाँ पर मैं सेकेंड वाले नेस्टेड क्लास को भी एक्सेस कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर बी एक्सेस किया और उसके बाद बॉडी बना दी अब मैं यहां पर जब बॉडी बना रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसकी बॉडी यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा मैंने इसे कॉल किया पब्लिक भी कर सकते हैं आप यहां पर तो मैंने इसे पब्लिक भी कर दिया अब यहां पर मैं बी की बॉडी बना सकता हूं तो मैंने यहां पर बी की बॉडी में जस्ट लिख दिया बी मैथड बॉडी ठीक है अब इसका आप इंस्टेंस बनाकर इस बी मैथड को एक्सेस कर सकते हैं जो यहां पर नेस्टेड फॉर्म पे था मेंटेनेबल है रीडेबल है मैंने कॉल क्लास को यहां से कॉपी किया मेन मैथड पर आया ओ बीजे एट के नाम से इसका इंस्टेंस क्रिएट किया एंड देन ओ बीजेट डॉट बी मैथड एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोड बी मैथड और जो चीजें आपने लिखी थी वो यहां पर कर ली तो इस तरह से हमने ओवरऑल सेशंस के अंदर देखा कि इनर क्लास क्या है ठीक है और इनर क्लास के पांच दो टाइप्स में से जो फर्दर क्लासीफाई होकर पांच टाइप बनते हैं यानी मेंबर इनर क्लास अनोनमस इनर क्लास लोकर इनर क्लास स्टैटिक नेस्टेड क्लास और उसके बाद नेस्टेड इंटरफेस को हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा